दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आप जानते हैं डायमंड मतलब हीरा कैसे बनता है? शायद नहीं जानते होंगे। आपको तो सिर्फ यही मालूम होगा कि हीरा कोयले की खदान से निकलता है। 90% ये बात भी सही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरीके से हीरा को निकाला जा रहा है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कहाँ बनते हैं हीरे, हीरा किस चीज से बना होता है, भारत में हीरे की खदानें कहाँ पर है, हीरा इतना मजबूत क्यों होता है, असली हीरे को कैसे पहचाने, क्या इंसान द्वारा हीरे बनाए भी जा सकते हैं। दोस्तों ये सब सवाल आपके मन में भी आता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल में बता देंगे। इन सब बातों को जानने के लिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। जैसा कि आपको मालूम है हीरे सदियों से राजसी वैभव और विलासिता के प्रतीक है। भारत हजारों साल से इनके कारोबार का केंद्र रहा है। आपको बता दें रोमन लोग इन्हें भगवान के आंसू कहते हैं। आपको मालूम होगा 2013 में भारत की बड़ी उद्योग खदानों और कई छोटी खदानों को मिलाकर केवल 40,000 कैरेट हीरे खनन किए गए थे, जो उस वर्ष पूरे विश्व के उत्पादन 132 मिलियन कैरेट के 1% के 10वें हिस्से से भी कम था। दोस्तों बहुत से लोगों का कहना है कि विश्व के पहले हीरे की खोज आज से 4000 साल पहले भारत के गोलकोंडा क्षेत्र आधुनिक हैदराबाद में नदी के किनारे चमकदार रेत में हुई थी। और शायद आपको मालूम होगा पश्चिमी भारत के औद्योगिक शहर सूरत में दुनिया के 90% हीरों को काटने और पॉलिश करने का काम किया जाता है, और इस काम के कारण दुनिया के करीब 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। चलिए आपको बताते हैं कहाँ बनते हैं हीरे। वैज्ञानिकों के मुताबिक जमीन से करीब 160 किलोमीटर नीचे बेहद गर्म माहौल में हीरे बनते हैं। इसके बाद ज्वालामुखी की गतिविधियां इन्हें ऊपर की ओर लाती है। ग्रहों या पिंडों की टक्कर से भी हीरे मिलते हैं। हीरे अतः गहराई में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान के बीच कार्बन के अणु बेहद अनोखे ढंग से जुड़ते हैं और हीरे जैसे दुर्लभ पत्थर में बदलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हीरा किस चीज का बना होता है। हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है, जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होती है। यदि हीरे को ओवन में 750 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है तथा बिल्कुल भी राख नहीं बचती है। इसी प्रकार हीरे 100% कार्बन से बनते हैं। हीरा रासायनिक तौर पर बहुत निष्क्रिय होता है एवं सभी घोलकों में आधुनिक सील होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.51 होता है। चलिए अब जान लेते हैं भारत में हीरे की खदानें कहाँ हैं। भारत में पन्ना और बुंदर परियोजना मध्य प्रदेश और कोलूर खान गोलकोंडा आंध्र प्रदेश में हीरे की खदानें पाई जाती हैं। दोस्तों आपको बता दें गोलकोंडा के प्रसिद्ध खदान से कोहिनूर नाम का प्रसिद्ध हीरा निकला था, जो कि आजकल ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं हीरा इतना मजबूत क्यों होता है। हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसहयोगी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए यह बहुत कठोर होता है। हीरा प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें उपस्थित चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध से भाग लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए हीरा उष्म तथा विद्युत का कुचालक होता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कैसे पहचाने असली और नकली हीरे को। अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के स्रोत के मुताबिक बेहद गहराई से निकलने वाले हीरे रासायनिक रूप से शुद्ध होते हैं और ये अद्भुत रूप से पारदर्शी होते हैं। प्राकृतिक हीरे और फैक्ट्री में बनाए गए हीरों के बीच फर्क बताना बहुत मुश्किल होता है। आपको बता दें केवल एक खास उपकरण से असली हीरो की पहचान होती है, ताकि आप इस तरीके से भी नकली और असली हीरो की पहचान कर सकते हैं। असली हीरा पानी में डालते ही डूब जाता है, जबकि नकली हीरा पानी के ऊपर तैरने लगता है। और एक दूसरा तरीका, आप हीरे को अखबार पर रखें और उसके पार से अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करें।
अगर आपको टेढ़ी लकीरें दिखे तो इसका मतलब है कि आपका हीरा नकली है। तो दोस्तों ये था असली और नकली हीरे को पहचानने का तरीका। चलिए अब बात करते हैं क्या हीरे बनाए भी जा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, भुनी हुई मूंगफली को पीसकर बनाए गए पेस्ट का इस्तेमाल, जिसे पीनट बटर कहते हैं, इस पेस्ट को धरती की सतह से 800 से 900 किलोमीटर नीचे भारी दबाव के बीच रखा जाए तो क्रिस्टल की आणविक संरचना बदल जाती है और वह हीरे में परिवर्तन हो जाता है। और दोस्तों एक दूसरा तरीका भी है, वो भी आपको बता देता हूँ। आपको बता दें, कुछ हीरा अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में सरासोता इलाकों में बनाया जाता है। यहाँ हीरो की खेती होती है। हीरे के एक छोटे से टुकड़े को बीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन के साथ मिलाकर हीरे के टुकड़े को एक ग्रेट चैम्बर में डाला जाता है, फिर इसे एक रिएक्टर में लाया जाता है। रिएक्टर का तापमान और दबाव बिल्कुल पृथ्वी के गर्भ जैसा होता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस और 50,000 एटमॉस्फेयर के दबाव में ग्रेनाइट हीरा बनने लगता है। इस विधि से हीरा बनने में 80 घंटे लगते हैं। इतने समय में हीरे का छोटा टुकड़ा कच्चा हीरा बन जाता है। इसे एसिड के घोल में डालकर अलग किया जाता है। तो दोस्तों अब आप भी समझ गए होंगे इंसानों द्वारा हीरा कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों का सपना होगा हीरा मतलब डायमंड की अंगूठी या माला या मुकुट पहनने का। अगर आप लोगों का सपना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपके पास डायमंड कितना रखा हुआ है। इस वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर लाते रहें। वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं। देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।